यहाँ पे होएगा धर्म का स्नान हो रहा है, बहुत रो रहा है बहुत ज्यादा। धर ये देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है। धार क्या हुआ? सुंदरी क्या हुआ? नहीं पिकाबू ओ ये देखो बहुत रोया है पता है, बहुत ज्यादा। गाइस स्नान के बाद अब हो रहा है हवन। धर्म को तो हमने थोड़ी देर लेटा दिया था क्योंकि वो इतना रोया है ना नहाते हुए, इतना रोया है कि हम बता नहीं सकते। आपने व्लॉग में तो देखा होगा, आधा तो मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि वो इतना रो रहा था। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब दुख हो रहा था। हमसे नहीं देखा जाता धर्म को रोते हुए, कोई किसी को भी नहीं देखा जाता धर्म को रोते हुए। तो से दो डालिए बस, इन दो से डालते हैं बीच वाली।
गाइस जब हम आहुति डालते हैं हवन में तो ये उंगली छोड़ के डालते हैं पहली वाली थंब के साथ, क्योंकि अशुद्ध होती है। मम्मी को बुलाइए इशारे से एक बार, वो बैठी हुई है मम्मी इधर देख, वो नितारा को बोलिए उनको बुला दो। पगड़ी में भी नहीं, देखो कितना क्यूट लग रहा है पगड़ी में। पूरा दूल्हे वाली रिचुअल्स होती है, पूरा हल्दी चढ़ी है, तेल चढ़ा है, पगड़ी पहनाई है, हल्दी के बाद नीलाया मुनोटू की माला पहनाएंगे धर को। गर्मी हो रही है वैसे।
सारा काम हो चुका है, अब बस हम जो धर्म के लिए सामान लेके आए हैं, कपड़े वपड़े खिलौने और हमारे में सोना चांदी का सामान भी चलता है थोड़ा बहुत, वो यहाँ अभी लगा रहे हैं, ये चम्मच कटोरी वटोरी सब कुछ, और ये मतलब अभी जो धर्म को सारा सामान देंगे वो है ये। बाबा साइड से आके दो, नहीं नहीं गए। सब बाबा दद्दू को पिनाएंगे, मानसी दीदी के मतलब जीजू के दद्दू को, आ जाएंगे।
हाँ जी सेम येलो येलो गाइज अभी हम लोगों ने मानसी दीहर को सब कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे दिया, अब उनके मामा जी हर देंगे। पहले दद्दू को पगड़ी और माला पहनाई, फिर अंकल को पगड़ी माला और उनका नेक दिया और शायद से कपड़े थे मुझे पता नहीं। अब मामा जी हर देंगे इनके। इससे मानसी दीदी सेहत बनाएगी अपनी। मम्मी मिठाई देते हुए शाही पनीर नान और थोड़े से राइस सैलड है, मैक्रोनी है थोड़ी सी और एक पापड़ है, खा लेती हूँ। वहाँ से आ गए जहाँ पे फंक्शन था, अब हमारे मानसी दीदी के घर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है हमारे घर तक का। थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर निकलते हैं पापड़ घर, क्योंकि कल भैया भाभी का वो है, मैं एग्ज़ाम बोलने वाली थी पहले, वो है क्या कहते हैं ऑफिस, वो चलती हूँ। गाइस हम निकल चुके हैं मानसी दीदी के घर से आराम से, इसे अब सोते हुए जाएंगे कि नींद आ जाती है, अब सोते हुए जाएंगे गाड़ी में। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 4 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में 6 मिनट में। कितना बड़ा शिवलिंग गुरु जी के मंदिर में, जय गुरु जी, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय जय सियाराम। अभी हम लोग रुके हैं कहीं पे ढाबे पे, पता नहीं कौन सी जगह ये। अभी बजे 7:06। चाय वाय पियेंगे, फेस की हालत देख सकते हैं आप इतनी गंदी हो रही है ना, मैं धो भी नहीं पा रही हूँ, वहाँ पे ना नल का गंदा है, इसलिए खोला है मैंने इसको ज़्यादा।
अभी चाय में पियेंगे, मैं तो कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है, मैंने स्नैक्स में नहीं खाया, मैं भी कुछ खाऊंगा, खाना भी थोड़ा सा ही खाया था। गिरे कहा है देखो, ये मेंढक है, ये कूद रहा, देखो ये मेंढक का से आ गया छुटका सा। देखो कितनी तेज आंधी तूफान आ रखा है, दिल्ली में एंटर कर दिया हमने, और मेरे ना मैसेज आया था ये DNM की तरफ से दिल्ली, ये क्या फुल फॉर्म की मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो गाइस कितनी तेज आ रही है, माय गॉड, मैसेज आया था कि 3 घंटे में दिल्ली है सारी, ये सब आ गया, दिल्ली का तो मेंशन था ही नहीं, और दिल्ली में अभी आ गई, बताओ कितनी आंधी, देखना माय गॉड। सर देखो ठाकुर जी ठीक है, घर पहुंचाओ, किसी का शीशा खुला हुआ है क्या, मिट्टी आ रही है मुंह में, ये देखो गाइस कैसे उड़ रहे, देख रहे हो, बाप रे, ये देखो सामने, देखो गाइस ठाकुर जी कृपा दिखाना कि सही सलामत घर पहुंच जाए। देखो इस कार के हेडलाइट की वजह से लाइट आ रही है, देखो प्रॉपर दिख रही है, देखो बहुत तेज हो रखा है, देखो कितनी तेज आंधी आई थी, सामने पेड़ गिर गया, पीछे भी बहुत गिरे हुए थे पेड़, दिल्ली कैंट पे तो हम भी पीछे तो मैंने दिखाया नहीं, बट ये देखो ये भी गिरा हुआ है यहाँ पे, तो मुझसे जिससे बात करा दो तेरी। गाइस अभी हमें आगे से इन्फॉर्मेशन मिली है, इतना जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आगे एक पेड़ गिरा हुआ है, बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे है, मैं नरेला क्या बोला था, कंफ्यूजन है ना, क्या था, धोला कुआं पे बहुत जाम लगा हुआ है, मासी के बेटे हैं जो रिक्की भैया, वो भी इसी लाइन में जाम में फंसे हुए, तो हम उनको देख रहे हैं कि वो कहाँ पे है, पता नहीं चल रहा है, बट हमें और आगे किसी ने बताया कि इधर इधर से जाओ भाई, आगे पेड़ गिरा हुआ है, बहुत आंधी आई है आज बहुत तेज। खुल गया गाइस, अब ये दूसरा पेड़, अब आ गए हम लोग घर, सामान लेके बस उतर गए हैं, बड़े पापा आ रहे हैं देख के, सामान हम लेके जा रहे हैं, आज तो भाई क्या तूफान ने जाम लगाया है, जगह जगह पेड़ गिर रहे थे, ऑलमोस्ट सारी जगह हमें पेड़ गिरे हुए ही मिले हैं, और उसकी वजह से इतना जाम था, माय गॉड बता नहीं सकती। यहाँ देखो हमारे यहाँ ही देख लो कितना गंद हो रखा है, पेड़ तो क्या गंद हो गया पूरा, मिट्टी मिट्टी। तो गाइस हम लोग घर आ गए थे रात को, अभी ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, जो लास्ट 1 बजे के ब्लॉग की सुबह, क्योंकि रात को हम लोग 1:30 बजे के करीब आए थे, रात में इतनी गाइस आंधी तूफान था ना, इतना आंधी तूफान था कि हम लोग बता नहीं सकते, गाड़ी रोक रोक के भी चला रही थी, मेरे को बहुत रिस्क था, जगह जगह पेड़, 1.5 घंटा मायने रखते हैं, 1.5 घंटा हम धोला कुआ पे जाम में फंस गए, वहाँ पे 2 इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे कि इतना जाम लगा हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस वालों से भी वो नहीं हुआ, हैंडल नहीं हो रहा था, इतना जाम था, बट कोई फायर ब्रिगेड आई थी उनको उठाने के लिए, वो क्रेन आ रही थी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत हुआ था, टाइम से निकले तो थे हम लोग, 4 बजे करीब निकल गए थे वहाँ से, शायद से वहाँ से निकल गए थे, बट वही है रास्ते में थोड़ा सा वो होता था,
बट कल का बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों घर से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और मतलब डांस वांस डांस तो मैंने इतना नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, गर्मी मुझे लग रही थी, बट कल का बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग ज़रूर बताना कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ठीक है? और जो लोग चैनल पर नए हैं वो बिना सब्सक्राइब करें नहीं जाना। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ फाल्गुनी ठाकुर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।